इस लेवल पे 60 के ऊपर गया है, यहाँ पर ट्रेंड की ताकत को आप जरा देखो, जब तक ये 60 के ऊपर है खतरनाक ताकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली में। हमारी आरएसआई की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे, मूविंग एवरेज का एक और एप्लीकेशन देखेंगे, जहां हम देखेंगे कैसे मूविंग एवरेज हमें बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है एग्रेसिव होने वाला है, एक्सेलरेट होने वाला है ऊपर या नीचे की तरफ। हम देखेंगे रिवर्सल्स क्या होते हैं और उसे कैसे यूज करना चाहिए और कहां वो चार्ट्स में आते हैं, कैसे आते हैं और वो हमें रिवर्सल्स क्या बताते हैं। दोस्तों अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन में जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मटेरियल जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आ रहा है तो हिट बटन, लाइक ये थम्स अप बटन टिप दीजिए, कमेंट अपने बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है और क्या पूछना चाहते हैं। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर डालिए, अपने फेसबुक पर शेयर कर डालिए, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, कहीं पर भी शेयर कर डालिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर डालिए, लेकिन करिए जरूर शेयर, क्योंकि ज्ञान जो है हमेशा बांटने से बढ़ता है और हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं मूविंग एवरेज का एक और एप्लीकेशन आरएसआई पे और रिवर्सल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अपना आरएसआई का सीरीज और आज हम देखते हैं कि एक और तरीका मूविंग एवरेज, यहां पर आपको इतना असरदार दिखेगा और आप देखोगे कि कैसे मूविंग एवरेज को आरएसआई पर अगर आप यूज करोगे तो एक ट्रेंड की जो एक्सेलरेशन है या एक ट्रेंड आपको पता लग जाएगा कि इस जगह से ट्रेंड जो है एग्रेसिव होने वाला है ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। तो आगे बढ़ेंगे, उसे मैं एक्सेलरेशन फैक्टर बोलता हूँ कि एक ट्रेंड जो है यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू करता है। तो अब देखिए, लास्ट टाइम मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपने 9SMA लिया है कि 9EMA में लिया है, तो इसमें आप 9SMA और 9EMA दोनों ले सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, खास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसी इंडिकेटर्स पे SMA और EMAs का कोई बेसी असर नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर 9SMA लिखा है और चार्ट्स पे आपको EMA दिखे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम रहेगा, कोई इसमें कोई बेसी अफेक्ट अंतर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमोडिटीज़ के जो चार्ट होते हैं उस पर मैं EMA लेता हूँ और स्टॉक के चार्ट पे मैं SMA लेता हूँ जनरली, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि कमोडिटीज़ पे EMA जो है वो ज़्यादा काम करते हैं और स्टॉक्स पे SMA ज़्यादा काम करते हैं। तो ये आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर अभी मैंने आपको चार्ट्स पे, यहाँ पर मैंने आपसे SMA पे बात की और चार्ट्स पे EMA देखे तो कन्फ्यूज मत होइएगा, हो सकता है वो कमोडिटी का चार्ट्स हो। तो अब जैसे कि 9SMA या 9EMA जब 40 के ऊपर चले जाए, ठीक है, तो जैसे 9SMA या 9EMA पहले जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ चल रहा था और ये अचानक में 40 के ऊपर ऐसे चले जाए तो ये एक साइन होता है अर्ली रिवर्सल का, ध्यान दीजिएगा इस पे। और जब 9SMA या EMA 50 को क्रॉस कर जाए तो ये साइन होता है साइडवेज टू अप मार्केट का, और जब 9SMA या EMA RSI पे 60 के ऊपर चले जाए तो इसका मतलब होता है भैया ये जो ट्रेंड है वो पूरा एक्सेलरेट करने वाला है ऊपर की तरफ और स्पीड में एक्सेलरेट करेगा। तो इधर इस पोर्शन पे जब ट्रेंड एक्सेलरेशन जोन आता है इस समय तो शॉर्ट करने की सोचना भी मत, बुलडोजर के नीचे आ जाओगे, चलती स्पीड गाड़ी के आगे खड़े हो गए, एक एक्सेलरेटेड गाड़ी है स्पीड में आ रही है उसके सामने अगर आप खड़े हो जाओगे तो वो आपको मार के उड़ा देगी। तो इस लेवल पर तो शॉर्ट करने का सोचना ही मत। आइए देखते हैं चार्ट्स पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे EMA यूज किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये कोई कमोडिटी का चार्ट हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप यहां पर देखो इस जगह पे जो आरएसआई के ऊपर 9EMA है, मैंने यहाँ पर आरएसआई को हटा दिया है, बाकी सबको हटा के सिर्फ EMA को रखा है। अब ये देखो 60 के ऊपर चला गया है और इस लेवल पे 60 के ऊपर गया है, यहाँ पर ट्रेंड की ताकत को आप जरा देखो, जब तक ये 60 के ऊपर है खतरनाक ताकत है ट्रेंड में।
मतलब जस्ट एक या दो हफ्ते के अंदर 100-150 पॉइंट का मूव मिल रहा है। इस जगह पे शॉर्ट मत करना भाई, चाहे जितना भी दिल कहे आपका, शॉर्ट मत करना। वैसे ही अब यहां पर देखो, इस लेवल पे हो सकता है इसने 50 क्रॉस कर दिया हो, और यहां देखो ये में जो है ये 40 के नीचे ट्रेड करने लग गया, तो ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया, एक्सेलरेशन ऑन द डाउन साइड। अब ये यहां पर वापस जो है ये 60 के ऊपर चला गया है, तो ट्रेंड इज एक्सेलरेशन ऑन द अपसाइड, एक्सेलरेटिंग ऑन द अपसाइड। और भैया यहां पर शॉर्ट मत करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट मत करना, चाहे कितना भी करेक्शन बोले, चाहे कितना भी करेक्शन मिले, चाहे कोई भी आपका दिल बोले, तो उसको शॉर्ट मत करना। वैसे ही जब 9SMA 60 के नीचे चले जाए, ऐसे कट के 60 के नीचे चले जाए, तो ये हो सकता है एक सिग्नेचर हो अर्ली ट्रेंड रिवर्सल का। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ अर्ली ट्रेंड रिवर्सल। 50 के नीचे चले जाए तो ट्रेंड साइडवेज टू डाउन हो जाता है, और 40 के नीचे चले जाए तो ट्रेंड होता है एक्सेलरेटेड ऑन द डाउन साइड। तो जब तक कंफर्म हो जाता है भैया ट्रेंड जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होने लगी है, तो सबसे अच्छा पोजीशन ट्रेड करने का ये वाला है, जब ट्रेंड 40 के नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, जब ट्रेंड एक्सेलरेशन पे है। यहाँ देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर इस लेवल पे ट्रेंड जो है एक्सेलरेटेड है नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए, जब EMA या SMA 40 के नीचे चला जा रहा है, 9 EMA SMA ट्रेंड की एक्सेलरेशन देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रेंड की एक्सेलरेशन देखिए, तो ये पूरे समय में एक बार भी जो EMA है वो ऊपर 60 तक गया ही नहीं है। ये देखिए कैसे रेजिस्टेंस खा रहा है बार बार। ये इनफ है हमें बताने के लिए कि ट्रेंड भैया नीचे की तरफ बहुत बेसी कमजोर है। ये सब ट्रेंड को हम लॉन्ग नहीं करते, डोंट लॉन्ग, आगे जाना ही मत, खदेड़ दिए जाओगे, बोलते ना बुलडोजर चला देते हैं। ये देखिए, तो ये SMA या EMA का एप्लीकेशन होता है मूविंग एवरेज पे, अलग तरह से यूज करिए। कोई भी इंडिकेटर मिले आपको अलग तरह से, तो मैंने तो अभी तक आपको दो एप्लीकेशन बताए हैं। हमारे ट्रेडर्स क्लासरूम में हम सैकड़ों एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं मूविंग एवरेजेस का। RSI के ऊपर बहुत डेप्थ में काम करते हैं, रियल टाइम मार्केट में बताते हैं कि कैसे हम ट्रेड उठाएं RSI को देख के। अब बात करते हैं रिवर्सल्स की। रिवर्सल्स क्या होते हैं? जब RSI ओवर परफॉर्म्स और एक्सीड प्राइस बिहेवियर, ठीक है, जब क्या होता है RSI और प्राइस जो होता है एक साथ में नहीं चलते हैं, तो जनरली हम क्या देखेंगे कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो RSI भी ऊपर जा रही है। लेकिन क्योंकि RSI एक बैंडेड ऑसिलेटर है, तो कई बार क्या होता है कि प्राइस तो ऊपर चली जाती है लेकिन RSI जो है वो ऊपर नहीं जा पाता। तो जब प्राइस हायर लो बनाता है, जब प्राइस हायर लो बनाता है, हायर लो, और RSI एक लोअर लो बनाता है, तो ये RSI है, ये लोअर लो बना रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव रिवर्सल बोलते हैं। तो क्या होता है, प्राइस जो है एक हायर लो बना रहा है और ये RSI जो है एक लोअर लो बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिवर्सल। और पॉजिटिव रिवर्सल बुल मार्केट में आती है, और पॉजिटिव रिवर्सल का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन।
मतलब ये जो पॉजिटिव रिवर्सल बनने के बाद ये एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएंगी। नेगेटिव रिवर्सल ठीक उसका उल्टा होता है। नेगेटिव रिवर्सल हमें बेयर मार्केट में मिलती है, प्राइस जो है वो लोअर हाई बनाती है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, और आरएसआई जो है वो हायर हाई बना देती है। इसे भोजन हिडन रिवर्सल भी कहते हैं, भोजन रिवर्स डाइवर्जेंस भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो नेगेटिव रिवर्सल है वो डाउन ट्रेंड में आती है, इसीलिए इसका नाम नेगेटिव रिवर्सल दिया गया है। तो आरएसआई पॉजिटिव रिवर्सल है, आरएसआई विल मूव टू अ न्यू स्विंग लो, जैसे मैंने कहा था, कंपेयर टू द प्रीवियस स्विंग लो। द प्राइस एट द सेकेंड स्विंग ऑफ आरएसआई विल बी नॉट लेस देन द प्रीवियस स्विंग ऑफ आरएसआई। This sets up a positive reversal which will lead to an up move. इसका मतलब मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया कि प्राइस जो है वो हायर हाई बनाती है और RSI जो है वो एक ये बनाती है। तो इस जगह RSI के सेकेंड लेग पे यहाँ समझिए प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए 103 रुपए और यहाँ प्राइस की वैल्यू होगी समझिए 98। तो सेकंड लेग पे प्राइस की वैल्यू ज्यादा है, कैसे, क्योंकि प्राइस ने हायर हाई बनाया ना, तो ये 98 यहां पर होगी तो 103 यहां पर होगी, तो ये हायर हाई है और ये है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिवर्सल। पॉजिटिव रिवर्सल का आने का मतलब होता है कि अभी अप मूव हो सकता है, आगे आ जाए। तो देखिए ये जो पॉजिटिव रिवर्सल के कुछ चार्ट, इस चार्ट पे आप देखो, ये प्राइस ने बनाया हायर लो, RSI ने बनाया लो, ये देखिए। और जहां देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव रिवर्सल आ रही है, प्राइस वापस जो है ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है। जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर की तरफ जाती है हमें पॉजिटिव रिवर्सल मिलते रहते हैं। ठीक है, अब बहुत जन आपको बोलेंगे आपने अगर सुना है बहुत बार इंटरनेट पे सुना होगा कि भाई बहुत जन बोलते हैं 2-5 पीरियड का रिवर्सल लो, उससे बेसी पीरियड का रिवर्सल मत लो, 2-5 पीरियड का रिवर्सल बहुत बेसी इफेक्टिव होता है। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 2-5 पीरियड का रिवर्सल लेना। यहाँ पर इस ट्रेंड में 2-5 पीरियड का रिवर्सल आप कहाँ ढूंढोगे बताओ मेरे को, इतना बड़ा ट्रेंड जो गया है यहाँ पर कौन सा रिवर्सल मैंने 2-5 के पीरियड के बीच के लिया है। सब बकवास है, कुछ नहीं जानते वो लोग जो RSI के बारे में जो ये बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे देखिए यहाँ पर ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ, जैसे जैसे रिवर्सल आ रहे हैं पॉजिटिव रिवर्सल, ट्रेंड प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही है और RSI जो है वो लो बना रही है। अब देखिए ये 205 पीरियड का रिवर्सल है क्या ये वाला, उसके बाद ट्रेंड ऊपर गया कि नहीं गया, 2-5 पीरियड का रिवर्सल का वेट करेंगे तो ये मूव को छोड़ देंगे सर, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए 2-5 पीरियड का रिवर्सल है, ये 2-5 पीरियड का रिवर्सल है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इग्नोर करिए ऐसे लोगों को, ज्ञान नहीं है उन्हें, कहीं से उठा के छाप लिया। एंड्रू कार्डवेल सर बोलते हैं 2-5 पीरियड का रिवर्सल ट्राई करना चाहिए, वो बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो बोलते हैं 2-5 पीरियड का रिवर्सल इफेक्टिव रिवर्सल होता है, बेसी इफेक्टिव रिवर्सल होता है। वो ये नहीं बोलते कि सिर्फ 2-5 पीरियड का रिवर्सल हो, उन्होंने जितने और बहुत जनों को मैंने सुना है, अभी यूट्यूब में भी सुना है और बहुत जगह सेमिनार में भी जाता हूँ जब सुनता हूँ, तो वो सिर्फ बोलते हैं 2-5 पीरियड का रिवर्सल ट्रेड करो, 2-5 पीरियड का रिवर्सल ट्रेड करो, 2-5 पीरियड का रिवर्सल ही अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रेंड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2-5 पीरियड का रिवर्सल नहीं होता है, जो भी आपको बताया है या आपने कहीं से भी सीखा उसको भूल जाइए। अफेक्टिव होता है 2-5 पीरियड का रिवर्सल बेसी, लेकिन वही पॉजिटिव रिवर्सल है, 2-5 पीरियड से बेसी का पॉजिटिव रिवर्सल नहीं ट्रेड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव रिवर्सल देखते हैं, आरएसआई एक नया स्विंग हाई बनाता है कंपेयर टू द प्रीवियस स्विंग हाई, और प्राइस जो है वो स्विंग लो बनाता है, और सेकेंड स्विंग पे जो प्राइस होती है वो लेस होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये नेगेटिव रिवर्सल बनाता है, इसे नेगेटिव रिवर्सल बोलते हैं, और
यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो है नीचे बना था। ठीक से बना, ये प्राइस है और ये नीचे वाला है आरएसआई। तो अब प्राइस ने एक स्विंग लो बना दिया, हायर लो, और आरएसआई ने एक बना दिया हायर हाई। तो इस जगह आरएसआई ने जहां हायर हाई बनाया, यहां प्राइस होना चाहिए कम, ये होगा 98, और यहाँ पर जो प्राइस था वो ज्यादा था, वो था 100 रुपए, समझिए 110 रुपए, ठीक है ना। तो ये 110 रुपए होगा, और प्राइस जब हायर लो बनाएगा तो ये 98 ही होगा ना, तो यही मतलब होता है उसका। तो इस स्विंग पे जो प्राइस है वो 98 कम होनी चाहिए इस स्विंग से, तो इसे नेगेटिव रिवर्सल बोलते हैं, और ये बोलता है कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाने को तैयार है। चार्ट पे देखते हैं, देखिए ये नेगेटिव रिवर्सल्स जहां जहां आपको दिखेंगी वहां वहां आपको पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाने। एक और सवाल मेरे पास काफी आते हैं कि सर कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करूं इसे, ये एक मिनट के टाइम फ्रेम से लेके मंथली टाइम फ्रेम पे भी यूज होता है। आपको एक मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, मंथली टाइम फ्रेम तक इसे यूज करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखिए ये नेगेटिव रिवर्सल, उसके बाद ट्रेंड नीचे की तरफ। तो देखा दोस्तों, मूविंग एवरेजेस को कैसे लोग इग्नोर कर देते हैं या चार्ट पे यूज करने मना कर देते हैं, कैसे बोलते हैं कि 2 से 5 मिनट का रिवर्सल सिर्फ यूज करो और बड़े रिवर्सल को छोड़ दो या बड़े रिवर्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है दोस्तों, जो लोग इग्नोरेंट है, अभी आरएसआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है, जैसे हम कहते हैं वैसे ही जो अधूरा ज्ञान लेके अधूरा ज्ञान देता है वो और भी खतरनाक होता है। तो ऐसे लोगों से बचे और अपने दिमाग को थोड़ा लगाइए, मटीरियल है, सीखिए, ट्राई करिए, यूज करिए चार्ट्स पे, बहुत मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। दोस्तों अगर अभी आपको अच्छा लगा ये मटेरियल तो थम्स अप बटन जरूर टिपिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में बहुत ग्रुप में आप एडेड हो, टेलीग्राम में बहुत ग्रुप में आप एडेड हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, हमारा मनोबल भी बढ़ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम वापस आएंगे आरएसआई की नई सीरीज के साथ, सीखेंगे कुछ नया टेक्निक्स देखेंगे। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जय हिंद।